हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ झींगा यानी सतपुतिया की कम तेल और कम मसालों में बनने वाली एक आसान सी रेसिपी। यह एक हेल्दी और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। यह इतना टेस्टी बनता है कि न खाने वाले भी मांग मांग कर खाएंगे। तो चलें इस हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg सतपुतिया ले लिया है यानी झींगा। इसको अच्छे से वॉश कर दिया है और ध्यान रखिएगा इसका छिलका नहीं उतारना है, बस बीच से कटिंग करके और इसको छोटा छोटा पीस में इसको कट कर देना है। देख इसी तरह कटिंग कर देना है, देख ली साइज़ यही रखिएगा, इसी तरह कट कर देना सारे को। इसी तरह सारे झींगा को हमने काट लिया है पतला पतला, देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 4 पुटी ओनियन ले लिया है और 4 पीस ड्राई रेड चिली। बस यहाँ पर ओनियन को पतला पतला स्लाइस में काट लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने ओनियन सबको पतला स्लाइस काट लिया, 2 ग्रीन चिली और 4 ड्राई सूखी मिर्च सबको ले लिया। अब यहाँ पे एक कढ़ाई हमने गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें 2 टेबल स्पून भर के मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। और ये ऑयल गर्म हो गया है, यहाँ पे मैंने ये मिर्च सूखी मिर्च सबको तोड़ दिया है कि तेल में जाने के बाद उड़े नहीं। और जो ओनियन मैंने स्लाइस काट के रखा था सब इसमें डाल के इसको अच्छे से चला देना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ओनियन यहाँ पे पूरा ब्राउन नहीं करना है, 40% ब्राउन करना है और 60% ये जो झींगा इसका डालेंगे उसके साथ ब्राउन होगा। देखिए यहाँ पे 40% ये ब्राउन हो चुका है, तो ये सारा कटा हुआ जो झींगा हमने रखा है यहाँ पे डाल देना है। ये तुरंत बन जाता है फ्रेंड्स और बहुत टेस्टी बनता है। आप अगर 2 रोटी खाने बैठेंगे तो 2 के बजाय 4 खा लेंगे, इतना टेस्टी बनता है। बच्चे हों या बड़े हों सभी को ये बहुत पसंद आता है। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून और फिर ज़रा सा और डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें, एक दफ़ा ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि ये कच्चा देखने में ज़्यादा लगता है। जैसे जैसे ये पकेगा तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, इसलिए एक दफ़ा आप ज़्यादा नमक ना ऐड करें वरना ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसी तरह से चला देना है, इसको फिर ढक देना है। ढक के फिर मैंने 2 मिनट और फिर हटाया, फिर अच्छे से इसको चला देना है। और एक बात का यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर आँच हाई रखना है, इसका हाई आँच पर इसका पानी सुखाना है। फिर से यहाँ पर मैं कवर कर दूँगी 1 मिनट के लिए। देखिए 1 मिनट और फिर मैंने कवर हटाया है। देखिए यहाँ पर पानी ये छोड़ चुका है, इसका तेज़ आंच पे इसका पानी सुखाना है। देखिए बस इस अभी और लाल होगा, अभी तैयार नहीं हुआ है, थोड़ा सा और होगा। देखा ना इसका क्वांटिटी कम हुआ ना, पहले कच्चा में ज़्यादा था, पकने के बाद थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैं बोल रही थी कि नमक आप एक दफ़ा ज़्यादा ऐड ना करें। अब यहाँ पर इसका पानी सूख चुका है तो यहाँ पर आँच मीडियम कर देना है। अब मीडियम आँच पर इसको लाल करना है और छोड़ना नहीं है और न कवर करना है, यहाँ पर बस लाल करना है। देखिए बस तैयार हो चुका है, बस ज़रा सा और इसको लाल करना है, चलाते रहना है। छोड़िएगा तो यहाँ पे एक तरफ हो जाएगा, दूसरे तरफ नहीं होगा। आप इसे चाहो किसी के साथ भी खा सकते हो। अब चलिए इसे हम सर्व करते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, ये रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, पूरी के साथ भी अच्छा लगता है, राइस के साथ भी अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, और कैसा बना कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और अगर रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।